फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप बारबेड वायर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस खुद का कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं उसकी नॉलेज आपको पूरी तरह से मिल सके। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि फ्रेंड जितने भी मेरे नए नए वीडियो है बिजनेस और फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको क्लियरिफाई कर दूँ कि बारबेड वायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर आप खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी के समय में बारबेड वायर का जो है मार्केट पोटेंशियल काफी ज्यादा है और मार्केट पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण जो है इस बिजनेस में कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। फिर भी अगर आप बारबेड वायर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने लोकल मार्केट को पहले सर्वे करना पड़ेगा कि आपके लोकल मार्केट में बारबेड वायर का क्या डिमांड है और क्या रेट्स जो है अभी मार्केट में सेल किया जा रहा है। फ्रेंड्स, पहले आप ये सारी चीज का सर्वे कर ले, उसके बाद ही जो है आप बारबेड वायर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं मशीन के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो पहले मैं आपको बता दूं कि मशीन के लिए मैंने एक कंपनी से कोटेशन मंगाया है, तो उसी कंपनी का कोटेशन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स यहां पे इन्वेस्टमेंट जो है मैंने अपने एरिया के हिसाब से दिखाया है क्योंकि मैंने पहले अपने लोकल मार्केट का सर्वे किया है और अभी क्या पोटेंशियल है मार्केट में बारबेड वायर का और अभी क्या प्राइस से अभी जो है बिक रहा है, तो उसी के हिसाब से मैं यहां पे इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं कि अभी के समय में बारबेड वायर का बहुत जगह पे यूज होता है। जितने भी फार्मर होते हैं अपने खेत को फेंसिंग करने के लिए जो है बारबेड वायर का ही यूज करते हैं। उसके बाद जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हुए अपना जो भी बाउंड्री वॉल डेवलप करते हैं उस बाउंड्री वॉल के ऊपर जो है बारबेड वायर का ही फेंसिंग करते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी बहुत जगह पे जो है बारबेड वायर का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहां पे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर आप खुद का अपना बारबेड वायर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, आपके पास में 800 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए जहाँ पे भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। इस एरिया में जो है प्रोडक्शन एरिया, रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया, फिनिश गुड एरिया और एडमिन का एरिया जो है इंक्लूड है। उसके बाद जो है आपको मेन पावर का यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा, आपको यहाँ पे फुली स्किल और सेमी स्किल पर्सन यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और सुपरवाइजर जो है ये आपका ऑप्शन है। अगर यहाँ पे आप खुद से सुपरवाइज और मार्केटिंग करेंगे तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट रहेगा, यहाँ पे आपको 4 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ ये मैंने जो भी कंपनी से कोटेशन मंगाया था मशीन का उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप फुली ऑटोमेटिक मशीन आप लेके यहाँ पे प्रोडक्शन आप करते हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का अलग से रिक्वायरमेंट रहेगा क्योंकि फुली ऑटोमेटिक को चलाने के लिए कम से कम आपको 15 किलोवाट से लेकर 20 किलोवाट तक जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट और लाइसेंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट लगने वाला है, जैसे कि आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, एड्रेस प्रूफ हुआ। फ्रेंड्स, इसी पर्सनल डॉक्यूमेंट के आधार पर जो है आपका जीएसटी नंबर अप्रूव किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग लाइसेंस की बात करें तो यहाँ पे एमएसएमई लाइसेंस लेना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा, फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, यानी कि फ्रेंड जो भी आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं अगर उसको आप कोई ट्रेडमार्क के थ्रू अगर आप सेल करना चाहते हैं तभी यहाँ पे आपको ट्रेडमार्क आपको लेना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे आईओसी भी आपको लेना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है आपका जो भी रिस्पेक्टिव पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा वहाँ से जो है आपको एनओसी लेने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप इस बिजनेस को लोन लेके स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से लघु उद्योग का लोन का भी यहाँ पे फैसिलिटी आप लोग को दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं पहला जो है मुद्रा लोन, मुद्रा लोन के थ्रू भी आप लोन लेके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है पीएमईजीपी लोन भी है, आप इस स्कीम के अंतर्गत लोन लेके भी जो है आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप लोन लेके अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे कि आपका लास्ट ईयर का आईटीआर का यहाँ पे जो है आपको प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जिस बैंक में सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट होगा तो उस बैंक का जो है आपको लास्ट 6 मंथ का आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बैंक को सबमिट करना पड़ता है। देन उसके बाद जो है आपको यहाँ पे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है आपके बिजनेस का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। तो फ्रेंड्स, यही 3 डॉक्यूमेंट जो है मैंडेटरी है अगर आप यहाँ पे लोन लेके इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पे बारबेड वायर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल यहाँ पे आपको लगने वाले हैं। यहाँ पे रॉ मटेरियल में आपको मेनली जो है एमएस गैल्वेनाइज वायर रोल का जो है आपको रिक्वायरमेंट रहता है। यहाँ पे 3 प्रकार के जो है आपको यहाँ पे गैल्वेनाइज वायर रोल आपको परचेस करने पड़ेंगे, 12 गज का, 13 गज का और 14 गज का। इसी 3 वायर से जो है आपका बारबेड वायर तैयार होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी जो है इस वायर का जो रेट है 45 रुपये से 55 रुपये पर केजी के हिसाब से अभी मार्केट में चल रहा है। तो
फ्रेंड्स ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस प्रकार का आप यहाँ पे गैल्वेनाइज वायर रोल आप परचेस करना चाहते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे लुब्रिकेंट ऑयल का यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे कि आप किस प्रकार का यहाँ पे बारबेड वायर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि तीन प्रकार के यहाँ पे बारबेड वायर जो है आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। पहला जो है डबल ट्विस्टेड बारबेड वायर है, सिंगल ट्विस्टेड बारबेड वायर है और ट्रेडिशनल ट्विस्टेड बारबेड वायर है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका सिंगल ट्विस्टेड बारबेड वायर है और ये जो है आपका डबल ट्विस्टेड बारबेड वायर है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ये ट्रेडिशनल ट्विस्टेड बारबेड वायर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिपेंड आप पे करता है कि आपके लोकल मार्केट में अभी कौन से बारबेड वायर का डिमांड है, उसी के हिसाब से जो है आप अपने इंडस्ट्री में बारबेड वायर का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बारबेड वायर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यानी कि बनाने के लिए आपको कौन सा मशीन यूज करना पड़ता है और इसका अभी मार्केट में क्या प्राइस है। यहाँ पे अगर मशीन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जिस कंपनी से यहाँ पे कोटेशन मंगाया था तो उसी का कोटेशन मैं यहाँ पे पूरा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं कि बारबेड वायर मैकिंग मशीन का सेट यहाँ पे पूरा आपको दिया जाएगा, जिसमें आपका पैनल बोर्ड रहेगा, वायर स्टैंड विथ 4 बकेट रहेगा, इलेक्ट्रिक मोटर जो है आपका 5 HP का जिसका 1440 RPM रहेगा, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल उसमें लगा रहेगा, ऑटोमेटिक फिनिश प्रोडक्ट काउंटर रहेगा, उसके बाद ऑटो स्टॉप आफ्टर सेट नंबर ऑफ बारबेड इन KG ये भी जो है आपका उसमें इंक्लूड रहेगा। तो इस मशीन का जो आपका प्राइस है आपको 4,25,000 रुपये यहाँ पे आपको लगने वाला है। उसके बाद जो है आपको अदर टूल्स जो है आपको खरीदने पड़ेंगे, जैसे कि अदर इक्विपमेंट में आपका ग्रीस हो गया, लुब्रिकेंट ऑयल हुआ, हैंड टूल्स हुआ, तो ये सारे के लिए जो है आपको 5,000 रुपये आपको अलग से यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप टोटल मशीन का प्राइस देखें तो आपको 4,30,000 रुपये यहाँ पे आपको लगने वाला है, जिसमें आपको 18% का GST लगेगा। उसके बाद जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये मैंने अपने एरिया के हिसाब से लिखा है। तो आप जिस लोकेशन से बिलोंग करते हैं तो वहाँ से और मशीन का जहाँ से सेलर आपको प्रोवाइड कर रहा है तो उसका दूरी क्या है उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको लगने वाला है। तो यहाँ पे अगर पूरा टोटल कॉस्ट देखें मशीन में तो आपको 5,18,000 रुपये यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको बारबेड वायर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आपको खुद का सेटअप करना है तो इसके लिए आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है, आप जिस एरिया पे आप बारबेड वायर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ का लैंड बिल्डिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन और वाटर इंस्टॉलेशन में जो है आपको 2.5 लाख रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, जो भी मैंने आपको मशीन का प्राइस बताया 5,18,000 मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे मैंने 5,20,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद जो जो लाइसेंस मैंने आपको बताया है इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए लगेगा, वो सारे लाइसेंस को लेने के लिए जो है आपको 50,000 रुपीज़ का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं रॉ मटेरियल जो है आपको यहाँ पे वायर लगने वाला है, जिसका मैंने 50,000 रुपया पर KG के हिसाब से यहाँ पे काउंट किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने रॉ मटेरियल का इन्वेस्टमेंट लिखा है 2.5 लाख रुपया, फ्रेंड्स ये जो इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ सकता है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप अपने इंडस्ट्री में पर डे का कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे जो है 2.5 लाख रुपया का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है रॉ मटेरियल के अगेंस्ट में मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। उसके बाद जो है आपको पैकेजिंग मटेरियल में यहाँ पे 25,000 रुपये का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है आपको एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन में जो है आपको 10,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको ई लोडर लेना पड़ेगा, यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट अपने इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उस फिनिश प्रोडक्ट को जो है होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के लिए जो है आपको यहाँ पे ई लोडर आपको लेना पड़ेगा, जिसका अभी मार्केट में 1.5 लाख रुपये प्राइस चल रहा है। उसके बाद जो है आपको वर्किंग कैपिटल यहाँ पे 2 लाख रुपये का रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल है ये भी आपके इंडस्ट्री के प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, अगर आपके इंडस्ट्री का प्रोडक्शन ज्यादा है तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आपका वर्किंग कैपिटल जो है आपका बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप मोटा मोटी इन्वेस्टमेंट देखें तो आपको टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 15 लाख रुपये का आपको करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे बारबेड वायर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आप हमको यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप बारबेड वायर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेटअप कर लेते हैं तो आप अपने इंडस्ट्री से पर मंथ का नेट प्रॉफिट कितना अर्न कर सकते हैं, इस चीज़ को मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को यहाँ पे दिखाया है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने पहले यहाँ पे दिखाया है कि आप 1 KG MS गैल्वेनाइज वायर में जो है आप कितने मीटर का जो है बारबेड वायर आप तैयार करते हैं। यहाँ पे 12x12 का यहाँ पे दिया हुआ, यानी कि 12 गज का जो है आपका वायर रहेगा और उसमें जो आपका कांटा बना रहता है वो भी आपका 12 गज का ही वायर से बना रहेगा। तो अगर आप उसको प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आपका 1 KG का माइल्ड स्टील गैल्वेनाइज वायर में जो है आपका 6 मीटर का बारबेड वायर तैयार होता है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप 12x14 गज का अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं, यानी कि 12 गज का जो है आपका पूरा वायर रहेगा और 14 गज का जो है उसमें कांटा जो है बनाया जाएगा, तो उसको अगर आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो यहाँ पे 1 KG में जो है आपका 8 मीटर आपका तैयार होता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे अगर आप 14x14 का अगर आप तैयार करते हैं तो उसमें जो है आपका 10 मीटर यहाँ पे तैयार होता है। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया कि आपको बारबेड वायर में पर KG कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप 12x12 गज का अगर बारबेड वायर अगर आप तैयार करते हैं तो उस पर जो है आपको पर KG पे 3 से 4 रुपये जो है आपको कन्वर्जन यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको मार्जिन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि
13x13 गज का अगर आप बारबेड वायर यहाँ पे तैयार करते हैं तो उस पर जो है आपको 4 से 5 रुपए जो है आपको मार्जिन जो है यहाँ पे सेव होने वाला है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे अगर आप 14x14 गज का अगर आप बारबेड वायर तैयार करते हैं तो उस पर जो है आपको 5 से 6 रुपए जो है आपको यहाँ पे प्रॉफिट सेव होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी मैंने प्रॉफिट दिखाया है ये मैंने अपने लोकल मार्केट एरिया के हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाया है। हो सकता है कि ये प्रॉफिट जो है वेरी कर सकता है आपके एरिया के हिसाब से, यानी कि आपके एरिया में जो है क्या अभी प्राइस चल रहा है तो उसी के हिसाब से यहाँ पे जो है आपका प्रॉफिट वेरी करेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी मैंने आपको प्रॉफिट दिखाया है ये मैंने एवरेज बताया कि आपको मिनिमम जो है आपको इतना प्रॉफिट इस बिजनेस से आपको मिलने वाला है पर केजी पे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने दिखाया है कि अगर आप 8 घंटे के शिफ्ट में 12x12 गज का अगर आप बारबेड वायर तैयार करते हैं तो आप पूरे 8 घंटे में जो है 700 से 800 आप तैयार करते हैं। अगर आप 13x13 गज का बारबेड वायर तैयार करते हैं तो उसमें जो है आप 500 से 600 आप तैयार करते हैं। अगर आप अपने इंडस्ट्री में 14x14 गज का बारबेड वायर अगर आप तैयार करते हैं तो आप 300 से 350 जो है आप तैयार करते हैं। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है कि अगर आप अपने इंडस्ट्री में पर डे का टोटल जो प्रोडक्शन है 800 करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एवरेज जो प्रॉफिट है 5 रुपये मैंने कंसिडर किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 800 अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं तो उसके हिसाब से 4000 का पर डे का आपका प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आता है। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर मंथ का दिखाया कि आप पर मंथ जो है अपने इंडस्ट्री से कितना अर्न कर सकते हैं। पूरे महीने में जो है मैंने 26 वर्किंग डेज जो है आपके इंडस्ट्री का कंसीडर किया है। तो उसी के हिसाब से आपका जो पर मंथ का जो ग्रॉस प्रॉफिट है 1,04,000 रुपये यहाँ पे आ रहा है। आपका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है इसमें से जो है आपके इंडस्ट्री का जो भी मंथली एक्सपेंस होगा उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके जो है यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आपके इंडस्ट्री का निकल के आने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दिखाया कि आपके इंडस्ट्री का पर मंथ का कितना मंथली एक्सपेंस आ सकता है। तो यहाँ पे जो पहला एक्सपेंस है आप जो भी मेन पावर रखेंगे तो उसको सैलरी देने में जो है आपको 23,000 रुपये यहाँ पे एक्सपेंस आने वाला है। उसके बाद जो है आपको मशीन मेंटेनेंस में जो है आपको 2,000 रुपये यहाँ पे पर मंथ का कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद आपके इंडस्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आपको 10,000 रुपये यहाँ पे आपका आने वाला है। उसके बाद जो है आपको मिसलिनियस मैंने यहाँ पे चार्ज जो है मैंने 5,000 रुपये यहाँ पे कंसिडर किया है। तो अगर आप यहाँ पे टोटल एक्सपेंस को अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको 40,000 रुपये यहाँ पे आने वाला है, यानी कि आपके इंडस्ट्री का मंथली जो एक्सपेंस है एक एवरेज मैंने कैलकुलेट किया है कि 40,000 रुपये अप्रॉक्स आएगा ही आएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके इंडस्ट्री का जो नेट प्रॉफिट है 64,000 रुपये पर मंथ आपका आने वाला है। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और जो मुझे मंथली इनकम है 64,000 रुपये का मात्र होने वाला है, तो क्या इस बिजनेस को स्टार्ट करना सही है कि गलत है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप बारबेड वायर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको अपने इंडस्ट्री में पर डे का जो प्रोडक्शन है 1 टन से 1.5 टन के बीच में जो है आपको करना पड़ेगा। जब तक आप पर डे का 1 टन से 1.5 टन के बीच में अगर बारबेड वायर को सेल नहीं करते हैं तब तक जो है आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखने वाला है। तो यहाँ पे आप कोशिश करें कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले जो है आपको अपना कस्टमर बेस जो है आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि आपके पास में बारबेड वायर का जो है एडवांस ऑर्डर होना चाहिए, तभी जाकर जो है आप अपने इंडस्ट्री में आप प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसी के हिसाब से जो है आपके इंडस्ट्री से जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे वो आपका मार्केट में सेल होगा। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आप अपने इंडस्ट्री से जो भी बारबेड वायर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कहां पे सेल कर सकते हैं, तो इसका मार्केट स्ट्रेटेजी जो है हम पूरा डिटेल में देखेंगे। फ्रेंड्स यहां पे जो है आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो है आपके लोकल मार्केट का जो भी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर होगा पहले आपको उसको अप्रोच करना पड़ेगा और उसको जो है आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को आपको अपने प्रोडक्ट पे मार्जिन ज्यादा देना पड़ेगा, तभी जाकर जो है आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल होगा। उसके बाद जो है आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, जैसे अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, उसके बाद बहुत सारे B2B प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी जो है आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, जैसे ट्रेड इंडिया हुआ, इंडिया मार्ट हुआ, देन उसके बाद जो है आप सोशल मीडिया के थ्रू भी जो है आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो है सोशल मीडिया का यहाँ पर यूज़ करती है, क्योंकि आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपना समय जो है सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं। तो इसी कारण जो है बहुत सारे कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए यहाँ पर सोशल मीडिया का भी सहारा ले रही है। उसके बाद आपके लोकल एरिया का जो भी न्यूज़पेपर होगा तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जो है एडवर्टाइजमेंट जो है आपको लोकल न्यूज़पेपर में आपको देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उससे भी जो है आपका प्रोडक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा आपका सेल इंक्रीज होगा। फ्रेंड्स जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट का लोकल मार्केट को आप एक्वायर कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आप उसके बाद जो है आप पूरे स्टेट को कवर करने के लिए आप कोशिश करें। उसके बाद आपको अपने बिजनेस का नेटवर्क को बढ़ाने के लिए जो है आपको अदर स्टेट में आपको अपने प्रोडक्ट का जो है डिस्ट्रीब्यूटर जो है आपको बनाना पड़ेगा, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका अदर स्टेट में भी सेल हो सके। फ्रेंड्स इसी तरह से इंडिया में जितने भी स्टेट है आपको पूरे
पूरे स्टेट को जो है आपको कवर करना पड़ेगा, तो उसी के हिसाब से जो है आपका यहाँ पे बिजनेस नेटवर्क जो है आपका इंक्रीज करेगा और उसी के हिसाब से जो है आपका यहाँ पे सेल रेवेन्यू जो है आपका ज्यादा जनरेट होगा, कहीं ना कहीं आपके इंडस्ट्री का प्रॉफिट जो है आपका इंक्रीज करेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले आप अपने लोकल मार्केट को आप पहले सर्वे करें कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में तो उस प्रोडक्ट का आपके लोकल मार्केट में क्या पोटेंशियल है, तो उसी के हिसाब से जो है आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि यहां पे आपको पूरा जानकारी मिल गया होगा कि अगर आपको बारबेड वायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस खुद का स्टार्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय।